अल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की नई पेशकश, शहर के बीचों बीच घर बनाने के सपने अब होंगे पूरे, वो भी फाइनेंस सुविधा के साथ। प्लाट बुकिंग के लिए संपर्क करें पुरुषोत्तम चौरसिया, अंकुर चौरसिया। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं लाइव में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद सिंह राजपूत, जो मैंने 5,000 की लीड लिए हैं। 5,000 की लीड उस क्षेत्र से लिए हैं जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। चुनाव की तारीख और सियासत की तारीखें बताती हैं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी शुरुआती दौरे में कभी लीड नहीं ली, लेकिन हम फिर कहेंगे एक जो आप कह रहे थे वो सच निकला, और कहीं ना कहीं परिवार जो आप कह रहे थे 25 साल का घर घर नाता है, मैं ही बढ़ पाता था। कल मैंने आपसे शेयर किया था, अगर मेरे संबंध 25 साल के संबंध व्यक्तिगत लोग निभाएंगे तो इस क्षेत्र में बढ़ पाऊंगा, वो मुझे आज विश्वास हो गया। सुर्खी के क्षेत्र ने जो जनता का आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास लाइव है, तो आप और 25 साल पुराने हमारे संबंध जो निभाए हैं उसका ही नतीजा है कि अभी तक बढ़त बनाए हुए भाई साहब। जो अभी और अब चूंकि राहतगढ़ भी खुल रहा है, और जो अब आप पट्टी आने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी की है, तो अब एक बहुत अच्छी जीत की ओर आप जो है आगे बढ़े हैं, किसकी मेहनत और किसका श्रेय देंगे कार्यकर्ता, और क्या क्या कहेंगे लोग? एक सेकंड में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है, और कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, जनता का आशीर्वाद होता है, जनता का आशीर्वाद कार्यकर्ताओं की, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एकजुट होकर चुनाव लड़ा, सभी लोग एक साथ रहे, हमारे वरिष्ठ नेता भी एक साथ रहे, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हों, चाहे भार्गव जी हों, चाहे राजेंद्र सिंह जी हों, चाहे यादव जी हों, जितने लोग सब हम लोग एक रहे, पर हमारे सारे कार्यकर्ता एक रहे। कांग्रेस और बीजेपी और तमाम ऐसे ट्रेंड बताते रहे कि चंबल हारेंगे, ये हारेंगे, लेकिन जो अब तस्वीर आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती दिख रही है। कांग्रेस को लोगों ने जड़ से नकार दिया है, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने जो अपेक्षा उम्मीद कांग्रेस से लोगों ने की थी वो पूरी नहीं की, और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का हस कांग्रेस के नेताओं ने किया, खासकर कमलनाथ जी ने जो वन मैन शोभा नीति अपनाई, हाँ, एक सेकंड, उसका नुकसान हमें आज पार्टी को हुआ, और बुरी आशा बुझानों में दिख रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। निश्चित तौर पर हम फिर कहेंगे कि सुर्खी की राजनीति में तारीख और सियासत इस बात की गवाही देती हैं कि ये वो क्षेत्र, वो इलाका है जहां से लगातार कांग्रेस लीड लिया करती थी, लेकिन उस लीड में सेन लगाई है और उन इतिहास को ब्रेक किया है। भारतीय जनता पार्टी 5,000 वोट से सुर्खी में लीड ली है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।